एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग को बेसिक से सिखाया जाता है कि हमको डिज़ाइन पे भी फोकस करना चाहिए, फिर धीरे धीरे लेटर ईयर्स में हमको सिखाते हैं कि एम ई पे भी फोकस करना चाहिए ताकि बिल्डिंग कैसे फंक्शनल बने, बिकॉज स्ट्रक्चर एंड आपकी डिज़ाइन फेल हो सकती है अगर आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग अच्छे से डिज़ाइन नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल जब सीखते हैं तब हम फील्ड में आते हैं, तो हमको ये ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए कॉलेज में कि आप कैसे अपनी डिज़ाइन के साथ इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आर्किटेक्ट हम लोग एक बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर का पूरा स्केलेटन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है, एंड प्रोबेबली दिस एमईपी टेक्स केयर ऑफ ऑल द यू नो सप्लाई सिस्टम, तो इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। हमको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इतनी समझ में आनी चाहिए कम से हम स्ट्रक्चर इंजीनियर से बैठ के लड़ सकें कि भाई कॉलम को थोड़ा पतला कर, इसको लंबा कर, स्पैन को ऐसा कर, मुझे कैंटिलीवर चाहिए नहीं। ऐसे हमको बिल्डिंग सर्विसेज भी इतना आइडिया हमको एज एन आर्किटेक्ट एज ए डिज़ाइनर होना चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट। मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव बॉट एन अपार्टमेंट स्पेशली, क्योंकि हम जब घर बना रहे होते हैं तो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, हम किसी बिल्डर से कोई प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, एक अपार्टमेंट के अंदर वी डू फैबुलस इंटीरियर, वी पुट अ लॉट ऑफ मनी, और अगर एक दीवार पर सीलन भी आ जाए ना, इट्स अ नाइटमेयर। तो प्लीज़ दिस शुड बी वेरी वेल इनकॉर्पोरेटेड, वेरी वेल थॉट ओवर। ऐसा नहीं हमको सिर्फ हमको डिज़ाइन पे हमको थॉट देना है, वी हैव टू थिंक एज अ होल। इफ यू हैंडल सर्विसेज इन अ प्रॉपर वे, दे कैन बिकम नाइस, दे कैन बिकम स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स टू योर ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ योर स्पेस। स्पेस मीन्स बिल्डिंग, स्पेस मीन्स लैंडस्केप। अगर उसको ढंग से यूज कर लिया जाए तो दीज आर ब्लेसिंग्स इन फॉर्म ऑफ डिस्गाइजेस के आपको पाइप आ रहा है तो अब नाउ द चैलेंज इज टू हैंडल द पाइप, ओके आई विल ऐड एन एलिमेंट टू दिस। हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था, कॉलेज प्रोजेक्ट था, उसमें यही था कि जो रेन वाटर पाइप्स जितने भी आ रहे हैं हर फ्लोर से और से छत से, तो उनको किस तरह से हाइड किया जाए, तो हमने फिर उनको ओपन शाफ्ट के थ्रू उनको बाहर निकाला, और उस ओपन शाफ्ट से जो हमने बाहर का डिज़ाइन पार्ट को डिज़ाइन जो रखा उसमें हमने उनको ऐसे डेकोरेटिव बना दिया ताकि उससे वो पार्ट छुप भी गया और डिज़ाइन भी निकल के आ गया। फॉर मी की सर्विसेज एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर सही तरीके से नहीं किया गया वो आपकी बिल्डिंग को ख़त्म कर देगा, इन टर्म्स ऑफ प्लम्बिंग, इन टर्म्स ऑफ फायर, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। एंड ऑफ द जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा उसमें वो आपको इफेक्टिव दिखेगा कि यार इस जगह पे मेरी ये कमी रह गई है, इस वजह से मेरी बिल्डिंग में ये इफेक्ट नहीं निकल रहा है। इस पार्ट को देखना ही पड़ेगा कि सर्विसेज मस्ट गो ऑन विथ केयरफुली। होता क्या है कि जब एमईपी कंसल्टेंट की बात आती है तो क्लाइंट जो है वेंडर से बात करता है कि वेंडर ही डिज़ाइन कर दे, वेंडर ही पूरा इंस्टॉल कर दे सिस्टम, कमीशनिंग करके दे, बट होता क्या है वेंडर हमेशा अपनी कॉस्ट बचाएगा कहीं ना कहीं पर। और हम जब बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 60 ईयर्स, एटलीस्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो 60 साल तो बिल्डिंग रहेगी, पर होता क्या है कुछ सालों में सर्विसेज इशूज़ काफ़ी आते हैं, मेंटेनेंस काफ़ी बिल्डिंग को चाहिए होता है, तो वहाँ पर वो वेंडर को वापस पकड़ा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एमईपी कंसल्टेंट, आई एम आल्सो एमईपी कंसल्टेंट सर, सो यहाँ पर वी एट द वैल्यू जो स्टडी हुई है तो 39% जो कार्बन है वो बिल्डिंग सेक्टर से निकल रहा है, तो उसमें भी 28% जो है वो ऑपरेशन से, कि आपका एसी कैसे चल रहा है, आपके बाकी इक्विपमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, और 11% जो है वो एम्बॉडीड कार्बन पे काम कर रहे हैं जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं कि हम मटेरियल कैसा चूज। So we're going to talk about something very special and which is this man. So हमारे हर बिल्डिंग में एक ऐसा भूत रहता है और उस भूत को हमको संभालना है, और वो कैसे संभालना है, हमको क्या करना है, उसके बारे में this is going to be a short discussion. So this is the भूत which we are talking about in this session and this भूत is आते हैं आगे चलिए। बिल्डिंग को आपको किसी को गिराना हो तो सबसे अच्छा तरीका है भूकंप आ जाए, निपटा दिया जाए। दूसरा तरीका है बॉम्ब गिर जाए। दिस इज हिरोशिमा, दिस इज पिक्चर टेकन बाय मी ओनली। दिस हिरोशिमा जो बॉम्ब गिरा था, दैट इज द स्ट्रक्चर हियर। ओके, सो दूसरा तरीका ये है कि हम बिल्डिंग को का सत्यानाश कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको डेमोलिश कर सकते हैं, तो ये एक दूसरा तरीका है। हमने बहुत सारा बात किया ग्रीन के ऊपर, सस्टेनेबल के ऊपर, ये सब बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत ग्रेट है, ग्रेट टू टॉक अबाउट, ग्रेट टू हैव इट, बट देन इसको भी आप डेमोलिश कर सकते हैं वेरी इजीली। हाउ आई टेल यू, ये चैट जीपीटी से ही निकाला मैंने, हमने बना भी दिया, बनाएगा कैसे तो बन भी गया, पर इसको जिएगा कैसे, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये बना दिया, खड़ा हो गया, सब कुछ है, बट विल इट बी टाइमलेस? सस्टेनेबिलिटी इज टाइमलेसनेस ऑल्सो, टाइमलेसनेस इन टर्म्स ऑफ वो हमेशा अच्छा दिखे, हमेशा खड़ा रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये बन भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट हाउ विल यू मेक इट टाइमलेस?
And so I got an idea on this. This is a movie called Appu Raja. Kitne log dekhi hai ye? Okay. So wonderful movie. It gave a very good idea how to kill people and killing it with ice ka chaku. Kandar dal diya, mar gaya, wo to gal gaya, nipad gaya. Theek hai? So we have one such tool today with us as architects to kill a building which is called building services, plumbing, electricals. और ये सब के ऊपर हम आज चर्चा करना चाहते हैं कि हाउ टू सेव आर ओन बिल्डिंग फ्रॉम सच मिसहैप्स फ्रॉम दिस चाकू विच इज़ नॉट सीन एंड इट डिस्ट्रॉयज द होल बिल्डिंग. आपने कितना सस्टेनेबल बात किया, कितना एआई के ऊपर डिज़ाइन करके लेके आए, बट नथिंग सर्वाइव्स थैंक्स टू दिस भूत विच इज़ द आइस का चाकू. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड दिस इज़ वन ऑफ द very good benchmarks. This building is probably shayad 30 years plus old building. I did visit this building also, and the unique thing that it carries is they got all the building services on the elevation itself. Ke le beta ab isko tu kya kar sakta hai kar, and this is one of the benchmarks as far as respect to building services is given. Okay, so this is the stage setting. We are going to talk about building services and you are going to comment, you are going to guide everybody sitting here. मैं start करता हूँ सबसे पहला slide. So this slide is taken from here. So building services का आज की date में role ऐसा है कि ये जो यहाँ लोग आए हैं उनके लिए ये व्यवस्था करी गई है कि आप उसको देख ही नहीं सको. This is for the virtual audience के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं. Now this is what is building services. आके बीच में खड़ा हो जाता है, building के सामने pipe आ जाता है कि अब क्या करना है बताओ. So this is should not happen and that's what we are here for, to learn from these gentlemen and the beautiful lady that we have here, and we are going to start the discussion. Okay, we'll have short introduction and then we'll begin. Yeah. Namaste Udaipur, main Gaurav Agrawal, pesha se architect hu aur 23 saal se practice kar raha hu, aur building services ye sabse zyada chahiye tha mera topic hai, because I have been teaching building services to students of architecture. I am very happy to share ki I am JAM certified professional, which is a green rating tool. And even I am the first architect in India who is FSAI accredited professional, Fire and Security Association of India. क्योंकि हम architects इन सब चीजों के अंदर बड़े कमजोर होते हैं, but I have taken it as a challenge. Thank you. नमस्कार आप सभी को. मेरा नाम architect नितेश शर्मा है और मैं कोटा based architect हूँ. Practicing architect last 10 years, मैं 10 साल से practice कर रहा हूँ. छोटी जगह पे हमारा architecture development जो करना चाह रहे हैं कि जो एजुकेट करना है हमें रूरल एरिया को, वो प्रोजेक्ट्स हम अभी करंट में कर रहे हैं. थैंक यू. हाय, मैं आर्किटेक्ट उर्वी कांकरिया हूँ फ्रॉम जोधपुर और मैं लास्ट 3 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड मैं आप सबके आगे बहुत जूनियर हूँ, तो बेसिकली मैं MEP को लेकर नई नई चैलेंजेस रोज़ हम सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं एंड नए प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं. तो यस, इट्स न्यू फॉर मी. थैंक यू. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश. I am the only engineer here, everybody is architect. So I am working in this field from last 10 years and I did lot of job of MEP consultancy and contractorship also. So aaj baat karte hain ki kya kya challenges hain. Definitely architects aur engineers ka sites pe kuch na kuch issues hota hi hai, aur ye issues aaj dekhte hain hum kya kya kar sakte hain isme best. Thank you. So we have the first discussion point with ma'am, you only, because you are the youngest one in the group and you just passed out from college maybe 3 years back or something. So ye bataiye ki how important, don't you think ke building services ko bhi utna hi value milna chahiye jitna architectural design ko milta hai, jitna structural design ko milta hai? Should building services be also like, aapko experience aaya hoga na ke pass out hote hi aapne laga building bana denge, bana to doge lekin baki ka sab kaise hoga, to usme sabse critical आ जाता है हमारा प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड MEP. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, लाइक व्हाट शुड बी द एजुकेशन सिस्टम? हम स्टार्ट ओरिजिन से करते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन फर्स्ट. एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग को बेसिक से सिखाया जाता है कि हमको डिज़ाइन पे भी फोकस करना चाहिए, मतलब फॉर्म क्या हो आपकी बिल्डिंग का, वो एस्थेटिकली कैसे प्लीजिंग लगे. बट फिर धीरे धीरे लेटर ईयर्स में हमको सिखाते हैं कि MEP पे भी फोकस करना चाहिए ताकि बिल्डिंग कैसे फंक्शनल बने, बिकॉज स्ट्रक्चर
एंड आपकी डिज़ाइन फेल हो सकती है अगर आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो। तो ये हम लोग को फोकस करना चाहिए, डिज़ाइन करते टाइम ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको ये सर्विसेज भी ध्यान में रखनी। नो, दिस इज फाइन, बट आई एम टॉकिंग एट द कॉलेज लेवल वेयर इन यू आर लर्निंग डिज़ाइन। लेकिन वो मेरे ख्याल से मैं भूल गया मेरा टाइम में, बट द सर्विसेज केम इन टू पिक्चर इन मे बी थर्ड ईयर और सो। या दे नेवर टॉट मी कि कितना क्रिटिकल है कि आपका बिल्डिंग का ही सत्यानाश करेगा। एंड दैट्स वेरी मच थ्योरेटिकल। हम लोग प्रैक्टिकल जब सीखते हैं तब हम फील्ड में आते हैं, तो हमको ये ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए कॉलेज में कि आप कैसे अपनी डिज़ाइन के साथ इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। गौरव सर, इस पर थोड़ा सा आप भी बात कर सकते हैं एज एन एकेडमिशियन के व्हाई बिल्डिंग सर्विसेज आर सो इम्पॉर्टेंट एंड कैन वी जस्ट मेन्यूवर देम टू द बेस्ट ऑफ आर डिजाइन। शायद 1997 रहा होगा जब हमने बिल्डिंग सर्विसेज पढ़ी थी कॉलेज के अंदर। आवर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी, सो वी हैव अ प्रोफेसर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट हु कम एंड टीचर सर्विसेज, और वो सब कुछ ऊपर से निकल जाता था। एंड आई थिंक इट वॉज द ट्रेनिंग टाइम व्हेन आई हैव डन माई ट्रेनिंग इन जयपुर विद आर्किटेक्ट रवि गुप्ता जी, जब मुझे समझ में आया कि ये सब जो सिस्टम है, मतलब आई मीन द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल एज वेल एज फायर फाइटिंग, मतलब उस समय भी वो ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट इट, वो तब समझ में आया। इसीलिए मैंने इनिशियल ईयर्स ऑफ टीचिंग, पहले हम डिज़ाइन स्टूडियो लिया करते थे, लेकिन आई थिंक फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years आई एम प्योरली एंड एब्सोल्युटली टीचिंग बिल्डिंग सर्विसेज, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। हमको स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जैसे अपन ये बात करें एज एन आर्किटेक्ट, हम लोग एक बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर उसका पूरा स्केलेटन सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है, एंड प्रोबेबली दिस MEP टेक्स केयर ऑफ ऑल द यू नो सप्लाई सिस्टम, तो इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। हमको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इतनी समझ में आनी चाहिए कम से कम स्ट्रक्चर इंजीनियर बैठ के लड़ सकें कि भाई कॉलम को थोड़ा पतला कर, इसको लंबा कर, स्पैन को ऐसा कर, मुझे कैंटिलीवर चाहिए नहीं। ऐसे हमको बिल्डिंग सर्विसेज भी इतना आइडिया हमको एज एन आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर होना चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बिलीव यस, टीचिंग सर्विसेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वी कैन नॉट गो इट लाइक वी आर डिजाइनर्स एंड इट्स नॉट अवर फोर्टे। ओके हितेश, you are also new into practice, but then I saw your slides and all, you've been into many projects. Do you think services are game spoilers for you? For me, ki services ek aisa part hai jisko agar sahi tarike se nahi kiya gaya wo aapki building ko khatam kar dega, in terms of plumbing, in terms of fire, in terms of lighting, agar aapne us part ko deeply touch nahi kiya by yourself or by any consultant, एंड ऑफ दैट जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा उसमें वो आपको इफेक्टिव दिखेगा कि यार इस जगह पे मेरी ये कमी रह गई है, इस वजह से मेरी बिल्डिंग में ये इफेक्ट नहीं निकल रहा है। तो इनिशियली पार्ट जब हम किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी भी बिल्डिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें इस पार्ट को देखना ही पड़ेगा कि सर्विसेज मस्ट गो ऑन विद केयरफुली, कि वो आराम से बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ में एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए। Did you ever appreciate your MEP consultant? Sir, for me, I am working on small projects right now in small areas. Basically, Devli Tonk, एक हमारा जयपुर के पास में एक जगह है जहाँ हम major practice कर रहे हैं, कोटा में हम practice कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें खुद को एक इतना सा नॉलेज है कि हाँ बेसिक सर्विसेज का ये काम हमें इस टीम के थ्रू करवाना है जो एक्सपीरियंस टीम्स होती है, तो उसी के थ्रू हम आगे की वर्किंग्स हमारी प्रोसीड करते हैं। Okay, to the engineer now. I have had short experience of 25 years. Okay, so I feel most of the stuff is like vendor driven. आपको AC का design करना है तो the vendor will design and he'll make sure he puts in 125 instead of 100, और फिर भी आप lead certification वगैरह लेके आ जाओगे. So what is your thought on the influence of the vendors in design of building services? As an engineer, I think you should be able to. Definitely, sir. So होता क्या है कि जब MEP consultant की बात आती है तो client जो है vendor से बात करता है कि vendor ही design कर दे, vendor ही पूरा install कर दे system, commissioning करके दे. But होता क्या है, vendor हमेशा अपनी cost बचाएगा कहीं ना कहीं पर. ये हर site पे देखा गया है. और हम जब building design करते हैं, we are planning for next 60 years. एटलीस्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो 60 साल तो बिल्डिंग रहेगी. पर होता क्या है, कुछ सालों में सर्विसेज इश्यूज काफ़ी आते हैं, मेंटेनेंस काफ़ी बिल्डिंग को चाहिए होता है, तो वहाँ पर वो वेंडर को वापस पकड़ा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो MEP कंसल्टेंट, आई एम ऑल्सो MEP कंसल्टेंट सर, सो यहाँ पर वी एट द वैल्यू. वो आप कह रहे हैं कि नहीं हम इतनी वैल्यू देते हैं, बट डेफिनेटली एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक MEP कंसल्टेंट समझ सकता है कि प्रॉपर डिज़ाइन क्या होता है. स्टिल हम यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि
कुछ स्पेसेस में अभी भी एक हॉट पॉकेट, मैं जो फील कर रहा हूँ एक हॉट पॉकेट है। तो वेंडर लगा कि चला गया, बट कभी किसी ने कमीशन करके नहीं देखा कि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीएफडी एनालिसिस हुआ या नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन साहब हमको ग्रीन करना है तो ये भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनी मोर, बिकॉज ग्रीन इज सर ग्रीन वॉशिंग बहुत चल रहा है अभी, कि डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ है बट एक्चुअल में होता नहीं है। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही होना चाहिए, पर्पल नहीं होना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे सवाल तैयार होंगे मैं समझता हूँ, अगर स्टेज पे नहीं होगा तो ऑफ द स्टेज होगा, बी रेडी फॉर दिस 100%। हाउ डू यू काउंटर दिस सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रॉम योर डिज़ाइन परस्पेक्टिव? डू यू रियली इन्वॉल्व योर सेल्फ? सब बात करते हैं पानी बचाओ, हीट घटाओ, कूलिंग कम करो एंड सेव एनवायरमेंट। So what, as a consultant of these services, what are the special measures you take? Like you study, you implement, what are such special measures that you take? So my idea is, sir, it's always better to reduce the consumption to or just make more generation. अगर हम बात करें जैसे इंडिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी 70% कोल से जनरेट हो रहा है, राइट? तो हम हमेशा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को और कैसे बढ़ाएं, रिसोर्सेज नहीं है, बट हम अगर बात करें कि कंजप्शन को कैसे कम करें तो वो एक चीज़ काफ़ी फ्रूटफुल है सबके लिए। और यहाँ पर आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है कि हम पैसिव टेक्नोलॉजी या पैसिव अप्रोच को यूज़ करके बिल्डिंग को ऐसा बनाएं कि कंजप्शन जो है वो ओवरऑल कम हो। साथ में ये है सर कि सारी ब्रांचेज अलग अलग थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बट अभी सारी ब्रांचेज जो बात कर रही हैं वो बात कर रही है एनर्जी की, कि एनर्जी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आज क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो वो भी एनर्जी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा एक पॉइंट है कि इसको कैसे हम कम करें, तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए सर। प्लस जो स्टडी हुई है तो 39% जो कार्बन है वो बिल्डिंग सेक्टर से निकल रहा है, तो उसमें भी 28% जो है वो ऑपरेशन से, कि आपका एसी कैसे चल रहा है, आपके बाकी इक्विपमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, और 11% जो है वो एम्बॉडीड कार्बन पर काम कर रहे हैं, जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं कि हम मटेरियल कैसा चूज़ करें, उसको कैसे बिल्डिंग में लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखें, उसके बाद बिल्डिंग को डिज़ाइन करें। राइट गौरव सर, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज एज एन एकेडमिशियन हाउ वुड यू गाइड योर स्टूडेंट्स टू इवॉल्व द डिज़ाइन बेस्ड ऑन द चैलेंजेस ऑफ सर्विसेज? फॉर एग्जाम्पल पॉम्पिडू सेंटर इसीलिए दिखाया गया कि दे ब्रॉट इन द होल सर्विसेज को ही बाहर लाया, उसको एग्जैगरेट कर दिया टू डिफरेंट स्केल एंड मेड इट एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट। सो हाउ डू यू गाइड स्टूडेंट्स ऑन दैट कि ये कर्स नहीं है, ये एक्चुअली ब्लेसिंग है कि अगर मैं ढंग से पाइप देता हूँ तो बिल्डिंग ज़्यादा जिएगी, उसको अंदर दबा देता हूँ तो गड़बड़ होगा या नहीं होगा? वॉट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई मीन अभी जो हमारा भारे लॉन है उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर पाइप्स पहले इनकॉर्पोरेट हो गए, अब वो पैक हो रहे हैं। सो आई डोंट बिलीव कि शायद वो डिज़ाइन का पार्ट होगा, वो तो वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर सॉल्विंग इट। थिंक उसका आर्किटेक्ट में ही हो और वो जान करके बाहर रखा है क्योंकि लीक करता है। वो अंदर देगा भाई? हाँ, अंदर अंदर नहीं, अंदर रखा ही नहीं क्योंकि पानी लीक करेगा, क्या करेंगे फिर हम? मुझे वैसा लगता है कि अभी आज का सिनेरियो ये है कि एवरीवन ऑफ अस हु आर सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम, ऑल द प्रोफेशनल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, हम सब लोग बहुत ज्यादा इस बात के लिए सेंटिमेंटल है। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग द सर्विसेज इन माइंड, तो इसलिए वो दीवार के अंदर दबाना या छुपाना अब ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव बीन प्लान्ड अकॉर्डिंगली। कल हम यहाँ पे एक देवी रत्न की स्लाइड देख रहे थे, देयर वाज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूम और उसके अंदर बड़ा बकायदा एसी यूनिट हैंग हो रहा था, उसकी डक्ट भी आ रही थी एंड इट हैज बीन टेकन केयर। सो आई मीन राइट एट द डिजाइन स्टेज वी आर वेरी मच इनटू दिस, कीपिंग दिस सर्विस इनटू माइंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपने को इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। कैसे कैसे बोलना है आपको? छुओ ना छुओ ना, इससे छुओ ना छुओ ना। If you are keeping it aside, I believe ki you are the happiest person. ये गा के सुनाइए ये तो यार। क्या चीज़? ये गा के सुनाइए। छुओ ना मुझे, छुओ ना मुझे, छुओ ना छुओ ना छुओ ना। Thank you. So मैं ये कहना चाहूँगा कि if you have bought an apartment, especially क्योंकि हम जब घर बना रहे होते हैं तो we are very particular about it. हम किसी builder से कोई project ले रहे होते हैं, एक अपार्टमेंट के अंदर वी डू फैबुलस इंटीरियर, वी पुट अ लॉट ऑफ मनी, और अगर एक दीवार पर सीलन भी आ जाए ना, इट्स अ नाइटमेयर। तो प्लीज दिस शुड बी वेरी वेल इनकॉर्पोरेटेड, वेरी वेल थॉट ओवर। ऐसा नहीं हमको सिर्फ हमको डिजाइन पे हमको थॉट देना है, वी हैव टू थिंक एज अ होल। ओके, सो स्पेशली टू द यंगस्टर्स, इवन आई एम वन ऑफ देम, इफ यू हैंडल सर्विसेज इन अ प्रॉपर वे दे कैन बिकम नाइस, दे कैन बिकम स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स टू योर ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ योर स्पेस।
स्पेस मीन्स बिल्डिंग, स्पेस मीन्स लैंडस्केप, अगर उसको ढंग से यूज़ कर लिया जाए तो आई ऑलवेज थॉट दैट दीज आर ब्लेसिंग्स इन फॉर्म ऑफ डिस्गाइजेस के आपको पाइप आ रहा है तो अब नाउ द चैलेंज इज टू हैंडल द पाइप, ओके आई विल ऐड एन एलिमेंट टू दिस, अभी ये फाइनल बन के आएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल शेयर द फोटोग्राफ कि कैसे मैंने उसका मिसयूज़ किया है. सो सच मोमेंट्स डिड दे कम इन योर लाइफ मैम कि यस अरे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये पाइप बाहर आ रहा है अब इसको आई नीड टू मेक इट एज अ स्पेशल एलिमेंट, डिड दिस हैपन टू यू? फॉर मी दे वर यूरोकैम मोमेंट्स, क्या रे वाओ मजा आ गया. नहीं अभी तक तो ऐसे ही हैंडल करते थे कि शिट बाहर पाइप दिख रहा है इसको तो हाइड करना है, इसको कैसे बाहर रख सकते हैं, तो इट नेवर हैपेंड कि उसको अलग तरीके से सोचो कि पाइप को ही हम ऐसे डेकोरेटिव एलिमेंट बना दें. नितेश तेरे साथ कभी हुआ है सर? आपको तो पूछूंगा नहीं बिकॉज यू वुड लव टू हैव एवरीथिंग आउटसाइड. सर हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था, कॉलेज प्रोजेक्ट था, उसमें यही था कि जो रेन वाटर पाइप जितने भी आ रहे हैं हर फ्लोर से और से छत से तो उनको किस तरह से हाइड किया जाए, तो हमने फिर उनको ओपन शाफ्ट के थ्रू उनको बाहर निकाला और उस ओपन शाफ्ट से जो हमने बाहर का डिज़ाइन पार्ट को डिज़ाइन जो रखा उसमें हमने उनको ऐसे डेकोरेटिव बना दिया ताकि उससे वो पार्ट छुप भी गया और डिज़ाइन में निकल के आ गया. सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ टर्म कॉल्ड गार्गोइल, उसमें वी नीड टू एजुकेट द क्लाइंट ऑल्सो. सो वंस वी डिड लाइक ट्रेडिशनल डिटेल है, ओके सो कॉल्ड वर्नाकुलर डिटेल है विच वी यूज इट इन मॉडर्न आर्किटेक्चर, हमने वो बाहर निकाल के गार्गोइल जैसे उसको हमें मेवाड़ी में बोलेंगे नालदा बोलते हैं उसको ही बाहर निकाल दिया इन द बिल्डिंग, बट वी हैड अ टफ टाइम कन्विंसिंग द क्लाइंट, बट नाउ इट इंश्योर्स देर इज नो लीकेज एट ऑल. यहाँ पर आई फेल्ड ओके टू गेट दैट नालदा, बोले नहीं नहीं नालदा नहीं करना है हमको, ऊपर कवर होगा और उसका एक्सपेंशन भी है इसलिए नहीं कर पाए. ओके सो गड्ढा हुआ ही नहीं, नीचे हमने नहीं कॉन्क्रीट बेड बनाया उसके नीचे नाली बनाया एंड वहाँ से हम पानी लेके चले गए. ठीक है सो such blessings come in when we have strict stringent MEP consultants. aap kitna flexible hona chahenge, this is the last question now, ki agli baar aapko kab daya aayegi hamare pe ke yaar ha main aisa bhi kar sakta hu. MEP consultant always wants everything straight line, jo upar bathroom mein uske niche hi hona, uske niche hi hona, uske niche hi hona. why this mindset? we want to get into your shoes, that's why I'm requesting this. so sir ye issues hamesha aate hain architecture se ki hum nahi kar sakte hain, but hum log dekhte hain ki maintenance jo hai building ka wo kam ho hamesha, to straight line mein jab rahenge pipes to maintenance bahut easy ho jata hai. to abhi jo aapne building dekha, abhi saab ne bataya humko Chandigarh mein the building was like this. ओके सो आप क्या सोचते हैं यहाँ पर सब एक ही लाइन में होगा क्या? स्टिल विल गो लाइक दिस सर. सो यू कैन राइट? यस यस डेफिनेटली. ओके सो यू टॉक अबाउट इट, वी आर फ्लेक्सिबल, रिमेंबर एवरीवन, ओके एवरीथिंग इज पॉसिबल सो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो. ये अभी हमारे पास में आ गया है, यहाँ का लर्निंग है आज का कि यू हैव टू चैलेंज योर कंसल्टेंट to get the best design out of it. But again sir, there is terms and conditions, there must be a technical clear out from that. This is what you are here for, right? So definitely aisa sites pe hota hai sir ki kitni baar jab AC ke pipes lag rahe hain to सीलिंग बहुत नीचे होती है तो कि बीम में हमें कोर कटिंग करना है, ये सारे इश्यूज बहुत आते हैं. तो मेरा कहना है कि हम क्यों ना आर्किटेक्चर में पहले से वो सारी चीज़ें कंसिडर करके चलें कि सर्विसेज इजीली वहाँ से जा सकें, हमें कोर कट ना करना पड़े. देखिए सबके साथ हुआ नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको कि कोर कट जब हम कर देते हैं उसके बाद ही कंसल्टेंट बोलता है यहाँ से नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ से लेके जाएंगे. मुझे पता नहीं कितनों के साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है एंड आई हैड फाइट्स विद देम एंड मैं उसी से लेके गया तो उन्होंने तो भी किया उन्होंने एंड इट वर्क्स वेल. मैं पूरा आपकी कॉम के ऊपर आ गया. आई एम टोटली ओके सर. सो बेसिकली सर आप कोर कट करेंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बीम जो है वीक होता ही है, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता क्लाइंट को. तो प्री फेज डिज़ाइन से ही हम लोग अगर सर्विसेज कंसिडर करें बिल्डिंग में शुरू से तो हमें आगे इश्यूज नहीं आएंगे, प्लस ओनर को भी इशू नहीं आते क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो इतना नहीं मांगती है बिल्डिंग. प्रॉपरली डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सर. द टेक हियर इज लाइक कि वी शुड बी इंटीग्रेटिंग, द MEP कंसल्टेंट शुड बी इंटीग्रेटिंग हिज डिज़ाइन एज विद रिस्पेक्ट टू द आर्किटेक्ट्स. बट यस एज आर्किटेक्ट्स एज डिज़ाइनर्स इट्स अ चैलेंज दैट वी शुड एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वेल. गौरव सर लास्ट पॉइंट. नहीं मतलब आई जस्ट एंडोर्स योर पॉइंट. मैं तो ये मानता हूँ कि हमको एक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग को हमको एज ए पेशेंट लेना चाहिए. उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, न्यूरोफिजिशियन भी, सर्जन भी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कई लोग कर रहे होते हैं. सो आई थिंक वी शुड वर्क एज अ टीम, दैट्स वॉट आई बिलीव फॉर दिस सर्विसेज इज कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड वी कैन नॉट फिनिश इट ऑफ, बट देन यस द सेशन वॉज टारगेटेड टू ट्रिगर कंसल्टेंट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर, द आर्किटेक्ट बींग द लीड एंड the rest of the consultant they should be supporting and jo challenges hai unko convert kiya jaye in terms of design solutions rather than
taking them as a challenge from MEP consultants. So that was the message we wanted to have with all the panel discussion. And thank you very much for this. And thank you, audience, for being here.